हमारे देश के वातावरण में पिछले 5 दशकों में बहुत ही नकारात्मक बदलाव आए हैं, जिसके कारण हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम होती जा रही है। डाइवर्सिटी कम होने के कारण लगातार पक्षियों के घर का ख़त्म हो जाना, बिल्डिंग का बन जाना, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब और इन सब के लिए हम खुद ही उत्तरदायी हैं। मेरा नाम है मोहम्मद शाकिर और मैं 10th में पढ़ता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हर किसी की लाइफ में एक सुपर हीरो होता है। मेरी लाइफ में भी एक सुपर हीरो है, वह है मेरे टीचर। तो जब हमारे बनाए गए नेस्ट में पहली बार मैना आई तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तब मैंने वास्तविक रूप से जाना आवास यानी हैबिटेट किसे कहते हैं। ये हमारे टीचर साइंस विषय को बहुत ही आसान बना दिया है, इसलिए वे मेरे रियल सुपर हीरो हैं। सर ने सबसे पहले हमें बर्ड्स हाउस इन सब के लिए मोटिवेट करा। उन्होंने हमें पक्षियों के बारे में बताया कि पक्षियों का दिन पर दिन संख्या क्यों कम होती जा रही है और कैसे कम हो रही है, हमें इनके संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसलिए हमने अपने प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत करी। इसमें उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी और उन्होंने मेन हमें इस सब्जेक्ट का आइडिया दिया था कि हमें ये प्रयास प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। मैं परविंदर कुमार, TGT नेचुरल साइंस, GB SSS नंबर 1 घोंडा में कार्यरत हूँ और हमने बच्चों के साथ मिल के इन पक्षियों को बचाने की शुरुआत की। छोटे छोटे नेस्ट बनाए, नेस्ट लकड़ियों के जो वेस्ट मटेरियल होता है उनसे नेस्ट बनाए हैं। बर्ड्स को आकर्षित करने के लिए हम बर्ड फीडर्स लगाए हैं और बर्ड वाटर फीडर लगाए हुए हैं। इन बर्ड फीडर्स में हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा दाना डालते हैं, जिससे बर्ड्स आकर्षित होती हैं, उनको खाने के लिए भोजन मिलता है। और इसकी शुरुआत हुई है 2017 में, मार्च 2017 में हमने पहला अपना एक नेस्ट लगाया, जिसमें 10th क्लास के बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। पहली मैना हमारे इस बर्ड हाउस में आई, जो कि लगाने के बाद 1 महीने बाद ही आ गई थी। और उस नेस्ट में कुछ टाइम के बाद में इन मैना ने कुछ अंडे दिए, जिसमें से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले। और उस टाइम पूरे स्कूल का वातावरण एक उत्साह के रूप में, एक उत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया था। हमारी मेहनत सफल लाई और एक हमें मोटिवेशन मिला, बच्चों को मोटिवेशन मिला कि हम कैसे कुछ छोटे छोटे प्राणियों को सुरक्षित कर सकते हैं। हमारे सुपर हीरो परविंदर सर, उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई, जैसे चिड़ियों के नेस्ट हमने प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया है, बैम्बू से बनाई हैं, और हमने मिट्टी के चीज़ों से भी बनाई हैं, जैसे मटके होते हैं, और हम उन्हें बर्ड फीडर कॉल करते हैं। जैसे ये चावल हो गए, बाजरा हो गए, हम इन्हें अपने घर से लाते हैं और चिड़ियों को खिलाते हैं। यहाँ पे पानी भी पीती हैं चिड़ियाँ और हमारे स्कूल में आसपास घूमते हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे इसी प्रोजेक्ट को पूरी दिल्ली ने सराहा और दिल्ली राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी, जो कि वसंत विहार में आयोजित की गई थी दिसंबर 2017 में, पूरी दिल्ली में हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कभी कभी साइंस के कुछ टॉपिक इतने हार्ड होते हैं पढ़ाने के लिए, समझने के लिए बच्चों को भी, कि उनको थ्योरेटिकली नहीं समझाया जा सकता। तो कुछ टॉपिक जैसे हैबिटेट, फूड चेन, फूड वेब, इन सब टॉपिक्स को बहुत आसानी से हम लोग इस साक्षात रूप में प्रोजेक्ट प्रयास के थ्रू पढ़ा सकते हैं। और प्रोजेक्ट प्रयास की जो सफलता है वो तब सामने आई जब बाकी कई स्कूलों ने इस संदर्भ में मुझसे संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि कैसे हम इन बर्ड हाउसेस को बना सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इन प्राणियों को, बायोडाइवर्सिटी को हम बचा सकते हैं। और अब हमारे स्कूल में ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, किंगफिशर और छोटे छोटे और जैसे टेलर बर्ड वगैरह, ये कई प्रकार की बर्ड्स भी आने शुरू हो गई हैं। पक्षियों को संरक्षित करने का करें प्रयास, जिससे ये रहे हमारे आसपास।